विंध्य का शेर शांत मगर अपने उसी धमक के साथ अंतिम बार दिल्ली से विंध्य की धरती में पहुंचा। कल 4 बजे विशेष वायुयान से अपने लोगों के बीच अपनी जन्मभूमि में क्या आम क्या खास, जैसे हर कोई उस महाप्राण को अंतिम बार देखकर धन्य होना चाहता था। अपने दादा के लिए लोगों का इतना प्यार, सम्मान, अपनापन, भावुकता देखकर हर किसी के लिए विचलित करने वाला क्षण था। वायुयान के धरती पर उतरते ही पूरा क्षेत्र दादा अमर रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा दादा तेरा नाम रहेगा, जैसे गगनभेदी नारों से गूंज उठा। सतना से रीवा के बीच हर गांव हर कस्बा दादा को श्रद्धांजलि देने के लिए घंटों इंतजार करता रहा। रात के करीब 8 बजे रीवा में प्रवेश के साथ ही सभी हदें समाप्त हो गई। दादा के अलावा ना तो कुछ दिखाई दे रहा था ना कुछ सुनाई दे रहा था। लोगों के जुबान में दादा, हृदय में भावुकता और आंखों में आंसू थे। काफिला लोगों के बढ़ते सैलाब के साथ अमहिया की ओर बढ़ने लगा। अमहिया जहां रीवा के हर छोटे बड़े फैसले लिए जाते थे, अमहिया जो रीवा के लिए जनता का अंतिम सहारा था, दादा को भीड़ के साथ देखना अमहिया की आदत बन चुकी थी और शायद इस यात्रा के बाद अमहिया की आदत अब किस्सा बन जाएगी, आने वाली कई पीढ़ियों को सुनाया जाएगा। दादा के निवास पर पहुंचते ही लोगों के सब्र का बांध टूट गया, सब कुछ शांत हो गया, गला रुंध गया, आवाजें बंद हो गई और पूरी भावना आंसू में बह गई। उनका सहारा, रीवा की आवाज, रीवा का नाम, दादा। वो टेलीफोन, वो तखत, वो मसनद हमेशा हमेशा के लिए खाली हो चुका था। दादा से जुड़ी हर एक चीज देखकर मन भारी रह गया था। पार्थिव शरीर वाहन से उतार कर अमहिया में रखा गया। देर रात तक लोगों का तांता लगा रहा। दिन निकलते ही आसपास के गांव से लोग आने शुरू हो गए। देखते ही देखते वहां विशाल जनसमूह इकट्ठा हो गया। इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्थानीय मंत्री राजेंद्र शुक्ला, मंत्री संजय पाठक, सतना सांसद गणेश सिंह, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित हजारों की संख्या में जनप्रतिनिधि पहुंचने लगे और सब ने दादा के पार्थिव शरीर का दर्शन कर उस महापुरुष को अंतिम बार नमन करना चाहा। करीब 10 बजे पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी की जाने लगी। अमहिया सरकार का अजय शासक अब अपनी सत्ता छोड़कर जा रहा था। लोग बिलख रहे थे, माहौल करुणा रस से सराबोर हो चुका था। रीवा की गलियों से उनके पैतृक निवास देवनी की तरफ हमेशा की तरह दादा की सवारी शान से चली, मगर इस बार कभी ना लौटने के लिए। वास्तव में रीवा की जनता ने दादा को कभी नेता माना ही नहीं, क्योंकि वो उनके अपने घर का मुखिया मानते थे। दादा की उपलब्धता इतनी सहज थी कि लोग अपने घर की छोटी से छोटी बात पर सलाह लेने दादा के पास पहुंच जाते थे। यही बातें थी जो आज लोगों को रोने पर मजबूर कर रही थी। शहर के मध्य से होता हुआ रीवा शहर से निकल गया, शहर श्रीहीन हो गया, अनाथ हो गया। हजारों की गाड़ियों के काफिले के साथ तमाम गांव कस्बे से लोगों को लेते हुए लगभग 4 बजे दादा का काफिला उनके पैतृक निवास दिल्ली पहुंचा। दादा के काफिले को देखते ही पहले से इंतजार में मौजूद लोगों का दुख फूट पड़ा। अपने लाल को देखकर लोगों की सब्र का बांध टूट गया, करुणा का सागर फूट पड़ा। वैदिक रीति रिवाज से पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। इस तरह एक महापुरुष, एक अजय योद्धा पंचतत्व में विलीन हो गया।